नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अनसिक्योर्ड लोन में क्या आरसी काटी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि अनसिक्योर्ड लोन में भी क्या आरसी काटी जा सकती है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है, बहुत सारे लोग इस बात से कन्फ्यूज़ रहते हैं। बहुत बार लोगों को नहीं पता होता है कि अनसिक्योर्ड लोन में आरसी कटती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, किसी प्रकार से हो। लेकिन जब वो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और बैंक उन पर कार्रवाई करती है, तो जब बैंक उनके ऊपर कार्रवाई करती है तो वो लीगल एक्शन लेती है। अब उस लीगल एक्शन में सबसे बड़ा जो लीगल एक्शन होता है वो आरसी बैंक उनके नाम से काट देती है। अब जब आरसी कट जाती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आरसी में सबसे पहले तो यही जिक्र होता है कि जो भी आपके पास आपकी प्रॉपर्टी है उसको कुर्क करके बेच करके बैंक का पैसा तहसीलदार दिलवाएंगे। लेकिन ऐसे कंडीशन में लोग के पास जब आरसी आती है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारा तो अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें हमने किसी प्रकार से कोई भी कोलेटरल दिया नहीं है, तो हमारे ऊपर आरसी की कार्रवाई कैसे हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरसी से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप बातें, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अनसिक्योर्ड लोन में कैसे आरसी कटती है और आरसी कटने के बाद आपको क्या करना है। वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो में आपको बहुत ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको कभी नहीं पता थी और जिन बातों को पता करने के लिए आपको महंगी फीस देनी होती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये होता है जितने भी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उसमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। तो जब सिक्योरिटी नहीं होती है तो बैंक किस तरीके से अपना रिकवरी करे, तो बैंक ऐसे मामलों में आरसी यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कराती है। ये आपके तहसील से ये इशू होता है, यानी कि तहसीलदार के ऑफिस में एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है बैंक की तरफ से कि हमने इस व्यक्ति को इतना लोन दिया था, इस रूप में दिया था, लेकिन इसमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं थी, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले। तो जिस स्टेट में आप रहते हैं, हर राज्य का अपना एक प्राइवेट लॉ होता है। राज्य के कानून के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति ने किसी बैंक से लोन लिया है और वह अनसिक्योर्ड है, उसमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दी गई है, कोई कोलेटरल नहीं है, तो उसमें बैंक ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आरसी इशू करा सकता है तहसीलदार की ऑफिस से। अब तहसीलदार आपके अगेंस्ट में एक आरसी की कार्रवाई करते हैं, वो आपको एक नोटिस भेजते हैं कि हम आपके किसी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब्त करके, उसकी कुर्की करके, उसको नीलाम करके जो भी पैसा मिलेगा वो हम बैंक का पैसा लौटाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपके खिलाफ, चाहे आपने किसी प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन लिया है, तो आपके अगेंस्ट में आरसी की कार्रवाई होती है। तो जब आपके पास आरसी की नोटिस आती है, देखिए आरसी जो इशू होती है उसके बाद जो आती है नोटिस, वो कुर्की की नोटिस होती है कि हम इस दिन आएंगे और आपके संपत्ति को कुर्क करके, उसको सीज करके, उसका ऑक्शन करके, फिर हम बैंक का जो भी पैसा है रिटर्न कराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको बचाव में क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको बचाव में क्या करना है कि जब भी आपको आरसी का नोटिस आमीन आ करके आपको दरवाजे पे देता है तो आपको उसको रिसीव कर लेना है। आप इसमें सबसे पहला तो अपना ऑब्जेक्शन यानी कि अपना जो भी आपत्ति पत्र है वह उसी नायब तहसीलदार के ऑफिस में आपको फाइल करना है जहां से ये आरसी आई है। आपको डायरेक्ट जाना है, किसी वकील को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने सक्षम नहीं हैं, तो आप एक वकील कर सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं, और उसमें आपको ये आवेदन में लिखना है, ये प्रार्थना करना है कि हमारी बातों को तहसीलदार जी के द्वारा नहीं सुना गया, हमारी जो समस्या है, हमने बैंक को कई बार आवेदन दिया कि हम इसमें सेटलमेंट करना चाहते हैं, लेकिन बैंक ने किसी प्रकार से हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, हमारे साथ सहयोग नहीं किया, हम इसमें सेटलमेंट करना चाहते हैं लेकिन हमारी बात को बैंक ने नकार दिया, उसने कहा कि हमारे यहाँ सेटलमेंट नहीं होता है, तो इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा बैंक के बीच में मध्यस्थता कराइए, हमारी तरफ से, बैंक की तरफ से आप हमारा और बैंक का मध्यस्थता करा करके हमारा सेटलमेंट कराइए। तो इस तरीके से आवेदन देने से हो सकता है कि आपका और बैंक का मध्यस्थता तहसीलदार कराएं और यहाँ पे आपका जो भी लोन है उसका सेटलमेंट हो जाए। अगर तहसीलदार की तरफ से ये कहा जाता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम संपत्ति की कुर्की करेंगे,
तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आप अपने उस आरसी को रिट के माध्यम से, यानी कि अपने स्टेट के हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके स्टे ऑर्डर लीजिए, और वहाँ से उसको स्टे करा करके जो भी आरसी है उसको स्टे कराइए, और फिर वहाँ से आपका सेटलमेंट हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपके खिलाफ जो भी आरसी इशू हुई है वो आरसी वहीं स्टे हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप अपना सेटलमेंट करा सकते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब भी आरसी इशू होता है तो ऐसे कंडीशन में जितना जल्दी हो सके आप नायब तहसीलदार, यानी जिस तहसीलदार के ऑफिस से वो आया है, उसको आप ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन फाइल करिए। हो सकता है कि उसमें बहुत सारी खामियाँ हों, बैंक ने तहसीलदार के ऑफिस में गलत तरीके से आरसी के लिए अप्लाई किया हो और आपकी बातों को नहीं सुना गया है, तो तहसीलदार आपकी बात को सुनेंगे और ऐसे आरसी को कैंसिल भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको राहत भी मिल सकता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदार में शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी लाभ हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।